welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Sujata Verma, and today we are going to discuss about BT toxin. So let's get started. BT toxin. Now, this is a toxin that is produced by the bacteria Bacillus thuringiensis. ये जो BT toxin है, इसका क्या use है और ये किस काम आता है? BT toxin एक तरीके से इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है. इंसेक्टिसाइड यानी कि ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट्स को मारे. और ये जो बीटी टॉक्सिन है ये हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस. बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस और इस बीटी टॉक्सिन को एज एन इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं कॉटन के प्लांट में जो डिजीज कॉज करने वाले पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए. जैसे कि कॉटन का जो प्लांट है उसमें कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉर्न बोरर या फिर आपका बोलवॉर्म जो होता है, ये कॉटन के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसके बड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कॉटन का जो बोल फॉर्म होता है, बॉल जो फॉर्म होता है, उसके प्रीमेच्योर ओपनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कॉटन का क्रॉप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. जितनी भी मेहनत लगी होती है फार्मर्स की कॉटन को ग्रो करने की, कुछ ऐसे नोटोरियस इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से वो सारे के सारे मेहनत जो है वो खराब हो जाती है. तो क्योंकि फार्मर्स की ये सारी मेहनत खराब ना हो और कॉटन प्लांट को किसी तरीके का डैमेज ना हो, उनकी बॉल्स की प्रीमेच्योर ओपनिंग ना हो, ठीक है, उनका हार्वेस्ट अल्टीमेटली अच्छा सक्सेसफुल रहे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं बीटी टॉक्सिन का. और इस बीटी टॉक्सिन को हम एज एन इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं. इस जो ये जो इंसेक्ट्स है हमारे पास, कॉटन बोलवॉर्म या फिर बोलवॉर्म या और भी इंसेक्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है. तो मान लीजिए हमने बीटी टॉक्सिन का जो जीन है उसको इंटीग्रेट कर दिया प्लांट के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर. तो क्या होगा कि जो लीफ है, जब एक लार्वा इस लीफ के ऊपर आएगा, सपोज दिस इज अ लार्वा, और ये जो लार्वा है इस लीफ को खाने के लिए आता है, तो इस लीफ में यहाँ पे एक जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन कुछ का एक पैरास्पोरल बॉडी जो है वो सिंथेसाइज होगा. नाउ पैरास्पोरल बॉडी इज द क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टल प्रोटीन रखा गया है. और जो जीन एनकोड करता है इस प्रोटीन को, उसको हम क्राइजीन बोलते हैं, ठीक है. तो क्राइजीन से हमें एक क्राय प्रोटीन मिल रहा है, एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन मिल रहा है, राइट. तो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, जो पैरास्पोरल बॉडी है, ये यहाँ पे बन जाएगी और उसके बाद ये जब लार्वा जो है ये इसको इन्फेक्ट करने, इसको खाने के लिए आएगा लीफ को, तो ये अल्टीमेटली इस क्रिस्टलाइन बॉडी को, इस पैरास्पोरल बॉडी को इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है. अब क्या होता है कि किस तरीके से इंजेक्ट करता है, इंजेस्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, हम ये मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक. तो ये जो हमारा इंसेक्ट है जिसने कि इस क्रिस्टलाइन पैरास्पोरल बॉडी को इंजेस्ट कर लिया है, तो ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है. एंड ड्यू टू द अल्कलाइन नेचर ऑफ द इंटेस्टाइन, ड्यू टू द अल्कलाइन नेचर ऑफ द गट, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉक्सिन में. ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉक्सिन में और इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है. फ्रेगमेंट्स बनने के बाद प्रोटीज एंजाइम एक्ट करता है, जिसकी वजह से अब हमारे पास एक्टिव टॉक्सिन आ जाता है, जिसकी वजह से अब हमारे पास जो है वो एक्टिव टॉक्सिन आ जाता है. दिस इज द एक्टिव टॉक्सिन. नाउ दिस एक्टिव टॉक्सिन ये क्या करता है
कि जो हमारा इंसेक्ट है उसकी जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उस पे जाके इंटीग्रेट कर जाएगा, यानी कि साथ में जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद ये यहाँ पे एक हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि सिक्स साइजेस की होती है, एक हेक्सागनल पोर बना देगा, एक हेक्सागनल पोर बना देगा, जिसकी वजह से जो वाटर है ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा, वाटर और आयंस का ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक लाइसिस देयर इज अ सेल डेथ, देयर इज अ सेल डेथ, ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लार्वा इंसेक्ट का इफेक्ट कर रहा था, डैमेज कर रहा था हमारे क्रॉप को, वो लार्वा मर जाएगा और हमारा जो क्रॉप है वो सक्सेसफुली सेव हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, कॉर्न बोरर और बोलवॉर्म, इनकी जो लार्वा स्टेज होती है, कैटरपिलर स्टेज होती है, वो इस तरीके से कॉटन के प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजियनसिस, ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए, हेंस द नेम बीटी, दैट इज बी फॉर बैसिलस एंड टी फॉर थ्यूरिंजियनसिस। ठीक है, हम जब भी जीनस का नाम लिखते हैं तो उसमें जो पहला लेटर होता है वो हम कैपिटल लगाते हैं, और जब भी स्पीशीज का नाम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लिखा जाता है। और बैसिलस थ्यूरिंजियनसिस क्योंकि एक बैक्टीरिया का नाम है, तो इसलिए या तो हम इसको इटैलिसाइज करके लिखेंगे या फिर हम जीनस और स्पीशीज के नीचे एक इसको अंडरलाइन कर देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बीटी टॉक्सिन इज सक्सेसफुली बीइंग यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। इसी तरीके से बीटी कॉर्न, बीटी मेस, बहुत सारे बीटी ब्रिंजल, बहुत सारे जो प्लांट्स है वो अवेलेबल है, जो कि अल्टीमेटली टू सेव द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को बचाने के लिए बनाई गई है, जहां पे बीटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जो जीन्स हम बता रहे थे कि व्हाट आर द जीन्स, जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस बीटी टॉक्सिन, दैट आर लाइक क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी, ये जो दो जीन है, ये दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, आर इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बोलवॉर्म, they're effective against the larval stage of the cotton bollworm। और ये यहाँ पे जो cry1a भी है, ये responsible है against corn borer, against the larval stage of the corn borer। तो यहाँ पे जो different genes है, different cry genes है, वो different cry proteins बना रहे हैं, different types of BT toxin बना रहे हैं, जो कि species specific है। ये एक बहुत important इसका characteristic है कि ये particular toxin जो है ये species specific है, different cry genes, different cry proteins को import करते हैं, जो कि different species के against act करते हैं, right? Another thing is कि ये जो बीटी टॉक्सिन है, वंस इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, कोई भी लाइफ फॉर्म जो इसको इंजेस्ट करती है, एक्सेप्ट द लार्वल स्टेज ऑफ द स्पेसिफिक इंसेक्ट जिसके अगेंस्ट ये काम करता है, उनके अलावा किसी भी लाइफ फॉर्म को, ना ही ह्यूमंस को, ना ही किसी एनिमल को, ये जो बीटी टॉक्सिन है ये अफेक्ट करता है, किसी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं देखा गया है। सो दैट वे इट इज क्वाइट फ्रेंडली, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट किसी और लाइफ फॉर्म पे देखने को नहीं मिलता है, एंड ऑल्सो इट डज नॉट पॉल्यूट एनी वॉटर बॉडी ऑल्सो। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस जो कि इस बीटी टॉक्सिन के साथ एसोसिएटेड है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि जब ये बीटी टॉक्सिन टॉक्सिक है तो ये प्लांट के में को डिस्ट्रॉय करने वाले इंसेक्ट के लार्वा को अगर इफेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, किल कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं कर रहा है। देयर इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट कि जो बैसिलस
thuringiensis में, suppose this is a bacterial cell, ठीक है, ये Bacillus thuringiensis का cell है. Bacillus thuringiensis एक gram positive aerobic bacteria है और spore form करता है. ये एक तरीके का endospore form करता है. तो जहां पे ये endospore बनता है, ठीक उसके पास में ये इसी टॉक्सिन की ये क्रिस्टलाइन बॉडी बनती है, जिसे को हम नाउ दिस इज द एंडोस्पोर एंड दिस इज द पैरास्पोरल बॉडी. दैट इज द क्रिस्टलाइन बॉडी, राइट? दिस इज द एंडोस्पोर एंड दिस इज द पैरास्पोरल बॉडी, राइट? तो ये जो पैरास्पोरल बॉडी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनी, ये अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है, ये अभी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है. जब ये पैरास्पोरल बॉडी इंसेक्ट का लार्वा इंजेस्ट कर लेगा, तो वहां उसकी गट की अल्कलाइन नेचर की वजह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉक्सिन एंड देन फाइनली बाय द एक्शन ऑफ द प्रोटीज इट विल गेट कन्वर्टेड टू द एक्टिव टॉक्सिन. तो यहाँ पे क्या कंडीशन नेसेसरी है कि उसको एक्ट करने के लिए, टॉक्सिन को एक्ट करने के लिए, किल करने के लिए एक्टिवेशन की जरूरत पड़ रही है, और वो एक्टिवेशन बैक्टीरियल सेल को नहीं मिल रहा है. यहाँ पे जब तक वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, तब तक वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन दैट व्हाई द टॉक्सिन डज नॉट हार्म द बैक्टीरिया सेल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बीटोक्सिन फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा. इन केस यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज और यू वांट टू लीव सम कमेंट, डू लीव द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ योर कमेंट्स. राइट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर सो दैट यू डू नॉट मिस माई एनी अदर फर्दर वीडियोज. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.